मेरे कॉइल भरने जा रहे हैं 105 जो पिच है। से 5 जो पिच है ये देखिए मैं भर चुका हूँ। अभी हम 107 वाला पिच भरेंगे। मोटर भरते समय कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आस्ते आस्ते भरना चाहिए मोटर को। इस पेपर को ऐसा थोड़ा हल्का बेंड कर लेना चाहिए कि आसानी से जाए उसमें। एक से जो 7 पीच हो गई मैं भर चुका हूँ। अभी हम से 9 पीच जो है लास्ट वाला कॉइल, तीसरा नंबर कॉइल, अभी हम भरने जा रहे हैं। हमारा तीनों सेट का कॉइल भर चुका हूँ। देखिए एक कॉइल में हमारा 2 वायर लीड वायर निकला है। देखिए हमारा लीड वायर 2 निकला है। अब इस प्रकार हमें 3 कॉइल और भरना है, टोटल 4 कॉइल होगा। 3 का सेट है, टोटल 4 कॉइल होगा और ऐसा 2-2 वायर चारों में से निकलेगा। कॉइल को सीधा करके थोड़ा बैठा लेना चाहिए क्योंकि हमें जो रनिंग का कॉइल, स्टार्टिंग का कॉइल भरने में प्रॉब्लम ना हो। अभी हम 3 कॉइल टोटल बना लेंगे पहले, फिर इसमें भरेंगे। देखिए इसका मोटर है, इसमें 10 MFD कैपेसिटर लगता है, 10 और 100 120 का 10 MFD रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर 100 120 का रहता है। इसका पिच है 1 से 5, रनिंग पिच 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9।
स्टार्टिंग पिच 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, और जो रनिंग गेज है रनिंग गेज 21 है, और स्टार्टिंग गेज जो है 22.5।